अपने को क्वेश्चन है, अपने को दिया गया है पी प्लस क्यू इक्वल टू दिया गया अपने को 10, एंड पी एंड क्यू दे रखा है 5। अपने को फाइंड करनी है पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी की वैल्यू, राइट। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसको फाइंड करने के लिए, सबसे पहले अपन क्या करें एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा पी इंटू क्यू, तो पी इंटू क्यू, पी क्यू को डिवाइड करके क्यू से कितना बचेगा पी, पी इंटू पी कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, इधर बचेगा क्यू स्क्वायर, राइट। अब देखो अपन जानते हैं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट। तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट। तो अपन क्या यहाँ पे भी क्या लिखा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। लाइक मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म लिखी हुई है एक तरह से। तो अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को अपन लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स पी अपॉन पी इंटू क्यू अपॉन पी क्यू, राइट। देखो पी प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है अपने 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस टू इंटू फाइव, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 5। तो देखो ये कितना हो गया अपने पास 100 माइनस 10 अपॉन 5, तो अपने पास कितना आ गया 90 अपॉन 5, राइट। तो इसको 90 को 5 से डिवाइड करके कितना आएगा 1 और 4 80, तो 8 सॉरी, तो अपने पास कितना है 18, राइट। तो पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 18, और ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट।